आज हम बात करेंगे ANM GNM के एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है TFR का स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में क्या फुल फॉर्म है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA1c का स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में क्या फुल फॉर्म है। तो इसका हमारा ऑप्शन क सही होगा, होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MUAC के पोषण के संदर्भ में फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के समय मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का क्या महत्व होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, डिलीवरी के समय प्रसूता को सीजर्स से बचाने के लिए, सीजर्स यानी झटके से बचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले 3 माह की शुगर का लेवल पता करने के लिए टेस्ट होता है। तो इसमें हमारा आंसर ग सही है, HbA1c। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू बैग उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, नवजात को श्वसन हेतु। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टोग्राफ का उपयोग किस गतिविधि से संबंधित है। इसमें हमारा आंसर क सही होगा, प्रसव के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटाथेनिक एसिड के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन से निम्न में से कौन सी बीमारी दूर नहीं की जा सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, इसमें आंसर ख दिया है, बट ख सही नहीं है। ही बीमारी को दूर किया जा सकता है, निमोनिया को दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ग सही होगा, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा निम्न में से किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्फेनॉल ए BPA क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, खाद्य संश्लेषण सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए बहुधा प्रयोग किया जाने वाला बहुलक कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, पॉलीकार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है। इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, जीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, स्वाइन फ्लू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवीसों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतया भोजन बनाने की सामान्य विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, फफूंदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक भाग है। इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, रुधिर। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, हाइपोथैलेमस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम रोटी चबाते हैं तो वह हमें मीठी लगने लगती है। यह क्रिया लार में उपस्थित एक एंजाइम द्वारा रोटी के स्टार्च को शर्करा में बदलने के फलस्वरूप होता है, वह एंजाइम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, टाइलिन एंजाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का केंद्र कहलाता है उसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भ्रूण को माँ के रुधिर से किस अंग द्वारा पोषण मिलता है। इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, प्लेसेंटा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री योजना के तहत लड़की के जन्म पर कितनी राशि उस समय दी जाती है। हमारा ऑप्शन क सही होगा, 2500 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है T3-T4 टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए करवाया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, थायराइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PCPNDT अधिनियम किस प्रकार का नियंत्रण करता है। इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, लिंग प्रतिषेध तकनीक कन्या भ्रूण जांच हत्या रोकने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IPV का टीका
शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क सही है, दायां बाजू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल मंगल कार्यक्रम का संबंध किस स्वास्थ्य योजना से है? तो इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, गर्भवती महिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आशा एएनएम तथा आंगनवाड़ी वर्कर को जोड़कर नए सिरे से स्वास्थ्य सेवाएं को पुनर्गठित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, राजसंगम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने के लिए योग्यता क्या है? इसमें हमारा ऑप्शन क सही हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का पूरा नाम क्या है? इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को ORS दिया जाता है, इसका पूरा नाम बताइए? तो हमारा ऑप्शन ग सही होगा, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV तथा एड्स में क्या अंतर है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है? तो हमारा ऑप्शन घ सही है, कन्नड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन घ सही है, डॉक्टर ज्योति किरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं? इसमें हमारा ऑप्शन ख सही होगा, जयपुर उदयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, उदयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग का परिवर्तित लोगो है? ऑप्शन ख सही है, जाने क्या दिख जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले के किस स्थान पर 4500 वर्ष पुरानी नदी घाटी सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन क सही है, खानपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य किन 2 नदियों को जोड़ने के लिए आम सहमति हुई है? इसमें हमारा ऑप्शन क सही है, काली सिंध व पार्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? इसमें हमारा ऑप्शन घ सही है, 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है? इसमें हमारा ऑप्शन क सही है, 10.41%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री का कुल कार्यकाल आज तक सबसे ज़्यादा रहा है? इसमें हमारा आंसर ग सही है, जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला सबसे नवीनतम गठित है? इसमें ऑप्शन ख सही है, प्रतापगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी कौन सी है? इसमें हमारा ऑप्शन ग सही है, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की राजधानी कौन सी है? इसमें हमारा ऑप्शन ख सही है, रोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क सही है, विजय रूपाड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल एक वस्तु 80 रुपये की खरीद कर 15% लाभ पर मोहन को बेचता है, जिसे मोहन 10% लाभ पर सोहन को बेचता है, सोहन की इस वस्तु की क्रय दर क्या थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, 101.20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य कर 1 दीवार 5 दिन में बनाते हैं, यदि यही दीवार 25 दिन में 1 व्यक्ति बनाना चाहे तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, 5 घंटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORG डोमेन क्या इंगित करते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हियरिंग रोग से इनमें से किसका संबंध है? तो इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, ऑडियोलॉजिस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवण क्या है? इसमें ऑप्शन ख सही होगा, पश्चिमी राजस्थान की घास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है वह है? इसमें हमारा ऑप्शन घ सही होगा, सतलज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का अंतिम समय तक शासन था? ऑप्शन क सही है, पांडिचेरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी स्थित है? इसमें ऑप्शन ख सही है, कोलकाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस रिसाव घटना कब हुई? इसमें हमारा ऑप्शन ख सही है, 1984। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, सरूद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? इसमें हमारा ऑप्शन क सही होगा, कभी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? इसमें ऑप्शन ख सही है, ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इसमें हमारा ऑप्शन ग सही होगा, फिजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? हमारा ऑप्शन घ सही होगा, न्यूटन।